वेलकम बैग्स बी और फॉर्म स्टार प्रॉपर्टी शेप। दोस्तों आज साबुदाना डेजर्ट कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके में आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको जो जितना भी इंग्रेडिएंट्स है आपके घर में मिल जाएगा, बहुत ही इजी से आप बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। इस तरह का आपको रेसिपी शेयर कर ये है हमारा गर्म पानी 100 ग्राम जो है सागू, इसको बोलते हैं साबुदाना। इसको बॉईल कर देता हूँ ताकि ये है हमारा मिल्क 500 ग्राम्स, इसको बॉईल कर देता हूँ। देख लीजिए इस तरह से बॉईल करने का क्या मकसद है, ताकि जो हमारा जो मिल्क अच्छा थिकनेस हो जाए और हम लोग इसमें डाल के बॉईल कर सकें साबुदाना को। तो देख लीजिए साबुदाना सेपरेट बॉईल कर रहा हूँ और मिल्क को जो है सेपरेट मैं बॉईल कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा सागू का जो डिजर्ट बनाएंगे तो इस तरह से। देख लीजिए जो सागू है अच्छी तरह से बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद ना क्या है ना, इसको स्टेन कर देता हूँ, इसका पानी वेस्ट है। तो अब क्या है ना, बॉईल होने के बाद में जो मिल्क के साथ में साबुदाना इस तरह से ऐड कर दिया हूँ। देख लीजिए ऐड करने के बाद में क्या है ना दोस्तों, मिल्क के साथ में इसको बॉईल करना है, ताकि जो आप मिल्क है थिकनेस हो जाए, थोड़ा टाइट हो जाए। तो देख लीजिए इस तरह से 5 मिनट तक इसको भी बॉईल कर रहा हूँ मिल्क के साथ में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है ना दोस्तों, शुगर स्वीट के लिए शुगर ऐड करता हूँ, वो है 2 स्पून। आपको डालते हुए दिखा देता है 1 स्पून और 2 स्पून। आपको ज़्यादा स्वीट चाहिए तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जो है 500 ml मिल्क के हिसाब से, तो उसको फुटाने के बाद में इस तरह से 2 स्पून जो है शुगर ऐड की, इसको खाली कर देता हूँ, ताकि जो बोल में देख लीजिए इस तरह से खाली करके बोल में इसको ठंडा कर देना आइस लगा के। तो देख लीजिए मैं जो है आइस लगा के इसको ठंडा कर देता हूँ, ताकि जो ठंडा होने के बाद में क्या है ना दोस्तों, इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, पिस्ता स्लाइस करके ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या है ना दोस्तों, ये पोमेग्रेनेट जिसको बोलते हैं अनार का सीड, इस तरह से ऐड कर दिया हूँ फ्रेश अनार। ये है सब्जा सीड, इस तरह से ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद में क्या है ना, इसको मिक्स कर देता हूँ। अब क्या है ना दोस्तों, फ्रूट्स कटिंग कर रखा था उसको भी ऐड कर दिया हूँ। तो देख लीजिए ये जो है डिज़र्ट हमारा जो है रेडी हो गया, आइस लगा के ठंडा भी कर दिया। अब क्या है ना, इसको खाली करके आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए किस तरह से रेडी हो गया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको जो रेसिपी शेयर किया हूँ बहुत ही इजी, जिसको बोलते हैं आसान तरीके में आपको शेयर किया हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।